नमस्कार, मिटके बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। निफ्टी फिलहाल 30 अंकों की मजबूती के साथ 8150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी लगभग 90 अंकों की मजबूती है, लगभग 1/14% की बढ़त दोनों ही इंडेक्सेस में है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर अच्छी खरीदारी है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.1% की मजबूती के साथ तेज कर रहा है। इनफैक्ट अगर मिड कैप के कुछ गेनर्स देखें तो आज मेटल काउंटर्स में अच्छा मूव है, केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप्स में नैलको 6% ऊपर है, टाटा केमिकल्स में भी अच्छी तेजी है। इसके अलावा टोरेंट पावर, उबरो रियल्टी जैसे कुछ जहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन गिरने वाले मिड कैप्स की बात करें तो आज सन टीवी ऑलमोस्ट 3% नीचे है। एमआरपीएल, जिलेट, हैवेल्स यानी एफएमसीजी और कंज्यूमर सेंट्रिक जो कुछ स्टॉक्स है वहां पर कुछ कमजोरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कॉनकॉर में भी 1% की कमजोरी है। ग्लैक्सो ब्रिटानिया 2% नीचे है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन आपको भी किसी शेयर पर सवाल पूछना है तो हमारे एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। एक बार तरीका आपको बता दें, मिड कैप हमारा कोड है, मिड कैप लिखकर स्पेस देकर उसे 57575 पर आपको भेजना है। साथ ही आप व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर दर्शक हमारे जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर जाएं, वहां अपनी क्वेरी पोस्ट करें और सवाल पूछें। साथ ही रोल फ्री नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 1800-1803545। लाइनलाइन नंबर पर भी कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर सवाल भेजने का तरीका भी बेहद आसान है। आपको अपने चुने गए शेयर का नाम लिखना है, स्पेस देकर किस भाव पर आपने खरीदा है डिटेल्स लिखें और उसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट अविनाश कोरकसाकर मौजूद भी है। अविनाश, वेलकम टू द शो। मार्केट्स काफी हद तक देखा जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहां पर देखने को मिल रही है। आपके हिसाब से क्या अप्रोच भी होनी चाहिए, कौन से सेक्टर्स को फिलहाल आप ट्रैक करें, खासतौर पर जब आरबीआई सबसे बड़ा ट्रिगर है, रेट कट को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं आपको? गुड आफ्टरनून पल्लवी, मुझे लग रहा है कि कल की पॉलिसी में डेफिनेटली एक 25 बेसिस पॉइंट की कट तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। आई थिंक जिस प्रकार का डिपॉजिट बेस बैंकों में आया है, हमको लग रहा है कि इन्फ्लेशन की ट्रेंड भी काफ़ी वीक है और इसका डेफिनेटली जो नेट रिजल्ट बनता है वो ये है कि रेट कट्स डेफिनेटली होंगे। मार्केट्स को शायद डेफिनेटली एक पॉजिटिव सरप्राइज तभी मिलेगा जब एक 50 बेसिस पॉइंट का कट आए। आई थिंक ये आता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली 25 बेसिस कट मार्केट्स ने मोर ऑर लेस डिस्काउंट किया है। और आज अगर किसी को पोजीशंस लेनी है तो मैं समझता हूँ कि पीएसयू बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि जो कॉमेंट्री आएगी हमको लग रहा है गवर्नर साहब की काफ़ी डोविश रहेगी और आगे के मेरे ख्याल से पॉलिसीज में लग रहा है कि जो रेट कट का साइकिल का जो ट्रेंड होगा वो कम से कम साल भर में हमको 150 या 200 बेसिस पॉइंट की कट मिलेगी, तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे पॉजिटिव रहना चाहिए। श्योर, मूविंग ऑन, बट यहाँ से लेकर 25 बिप्स इज गिवन और बट द क्वांटम ऑफ हायर रेट कट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रेजेक्टरी ऑफ द गवर्नर पोस्ट मॉनिटरी पॉलिसी एज वेल। मूविंग ऑन, आज के पहले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर अर्जुन ने हमें कॉल किया हुआ है। नमस्कार अर्जुन जी, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरे पास पीएनबी गिल्ड के 250 शेयर थे, 61 का बाइंग प्राइस है। जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट अविनाश जी बिल्कुल 61 odd levels पर उनकी purchase price है PNB Gilts। अगर हम share का performance देखें तो it has already risen from 28 odd levels and it is trading close to 55। आपको क्या लगता है कि will this outperformance continue अविनाश? मनोज, मुझे लग रहा है कि अगर इनका नज़रिया थोड़ा सा लंबा है, अगर नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार का डिपॉजिट बेस बैंकों में मिला है, मेरे ख्याल से एक अंदाज़ा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अभी जो CRR पे इन्होंने जो रेगुलेशंस अनाउंस किए हैं कि इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स पे 100% CRR लागू है, वो 9 तारीख को एक्सपेक्टेशन है वो निकल जाएंगे। और वो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली पीएनबी गिल्ड को काफ़ी फायदे वाली बात रहेगी, क्योंकि काफ़ी पैसा बैंकों का ट्रेजरी में जाएगा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाला जाता है। और पीएनबी गिल्ड एक यूनिक कंपनी है जो लिस्टेड है और जो ये काम करती है, तो डेफिनेटली कंपनी को फ़ायदा होना चाहिए। और ओवरऑल अगर रेट कट भी होता है तो मनोज, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड यील्ड्स है वो इनके लिए बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा लंबा समय 6 to 12 मंथ्स का नज़रिया रखना चाहिए। इनको डेफिनेटली एक अच्छा मुनाफा बन सकता है। तो बने रहने की सलाह है। अभी आप और मुनाफे की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, फिलहाल होल्ड करके रहें। अगले दर्शक है फोन लाइन पर राजेश्वर, जो कि जमशेदपुर से हैं। नमस्कार राजेश्वर जी, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मेरे पास सेज इंडस्ट्री है मैडम, 4 quantity at 13,340 मैडम, और एंड्रो यूल है मैडम, एंड्रो यूल 1,000 quantity at 23.5 पे। ठीक है, दो स्टॉक्स आपने चुने, दोनों में आप नजरिया बता पाएंगे कितने टाइम के लिए आपने खरीदे? 6 months मैडम, 6 months। ऑलराइट ऑलराइट,
ठीक है, 23 रुपीज पे खरीदा है आपने एंड्री यूल और पेज इंडस्ट्रीज 23.5 में। ठीक है 23.5, ऑलराइट। अविनाश, दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय चाहेंगे, पहले पेज इंडस्ट्रीज पे बात कर लेते हैं। इनको नुकसान हो रहा है, 13,430 के आसपास की खरीद है, एक हाई वैल्यू स्टॉक के अंदर आता है ये पेज इंडस्ट्रीज। क्या लगता है फिलहाल क्या करना चाहिए, कितने टाइम तक बने रहें इसमें? पहले भी मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने पेज इंडस्ट्रीज़ में एक अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो कम से कम साल भर का नज़रिया रखे। कंपनी काफ़ी अच्छी है, इनफैक्ट इनरवेयर में इनकी जो ब्रांड है वो काफ़ी वेल नोन है, और जिस प्रकार का इनका ग्रोथ पोटेंशियल है हमको लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में कम से कम 15-20% की अपसाइड इवन फ्रॉम करंट लेवल्स मिल सकती है। बट हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो, क्योंकि जिस प्रकार का डीमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट आया है इस कंपनी को भी आने वाले शायद 1-2 क्वार्टर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो। मेरे ख्याल से एक साल का नजरिया ले तो डेफिनेटली इसमें अच्छा पैसा बन सकता है। इन्होंने एक और स्टॉक बताया था एंड्रयू यूल एंड कंपनी, काफी लो वॉल्यूम स्टॉक है और इनकी खरीद 23.50 रुपए पर है, यानी कि इनके खरीद के आसपास ही है। ऐसे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए इनको? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक्स में अगर इन्होंने पोजीशन बनाई है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड करना चाहिए। इस स्टॉक में अंदाज़ा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी होने के कारण यहाँ पे यू नो डाइवेस्टमेंट के लिए ये पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकती है, और जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है ये ज़्यादातर यू नो टी एस्टेट्स में और ज़्यादातर यू नो ट्रेडिंग में ऑपरेट करती है, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे नज़रिया अगर थोड़ा सा लंबा रखे तो ही अच्छा मुनाफा बने। ऐसे शेयर में लिक्विडिटी तभी बढ़ती है जब भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी थोड़ा सा सब्र रखे, पैसा ज़रूर बन सकता है। श्योर, होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट्स इन पेज इंडस्ट्रीज एज वेल, एज अविनाश की राय है। मूविंग ऑन, अगले कॉलर है मिस्टर एम एन रॉय फ्रॉम बेंगलुरु। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मैंने पिछले हफ्ते टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का 1100 शेयर्स लिया है, एवरेज रेट एट 157। क्या करना चाहिए, इसको होल्ड करूं? जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक, अविनाश, अगर हम देखें तो इनफैक्ट द स्टॉक हैज रिजन फ्रॉम 100 ऑड लेवल्स एंड 180 इज द करंट मार्केट प्राइस। आपको क्या लगता है कि दिस विल दिस राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू और इनकी इन्वेस्टमेंट पे बेटर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं उनको? नहीं, मुझे लग रहा है कि मनोज, जब से ये कैश डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट आ गया है, आई थिंक मार्केट्स ने इस शेयर को काफ़ी अच्छी तरह से रीरेट किया है, क्योंकि यही एक फ्यू कंपनीज में से है जो POS मशीन्स बनाती है और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो मुझे लग रहा है कि इनको अगर थोड़ा सा लंबा नज़रिए भी रखना है तो ये होल्ड कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से 190-195 का अगर एक बार प्राइस आता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इनकी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक और बैलेंस शेयर को इनको होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, अजय हैं दिल्ली से इस वक्त फोनलाइन पर। अजय नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो जी अजय, अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैडम, मेरे पास प्रतिभा इंडस्ट्री के शेयर हैं 4000। ठीक है, 14.42 बाय है, क्या करूं मैं, होल्ड करूं? ओके, आपने खरीदे 14.40 रुपए पर, कितने टाइम के लिए आपकी खरीदे? ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। अविनाश, प्रतिभा इंडस्ट्रीज इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेस से कंपनी है और खरीद इनकी के आसपास ही है, यानी कि 14.40 रुपए पे खरीदा है, फिलहाल 13.25 रुपए का ट्रेडिंग प्राइस है, क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से इनका ट्रेडिंग नज़रिया है तो पल्लवी, मुझे लग रहा है कि क्लियरली अगर कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता है तो ये शेयर से मेरी राय में तो निकलना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी लगातार लास्ट 2 क्वार्टर से घाटा कर रही है। एक पॉजिटिव सरप्राइज जो 1-2 दिन में आ सकता है वो बेसिकली रेट कट के है। कंपनी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है तो हो सकता है कि अगर रेट कट उम्मीद से अच्छा आए तो इस शेयर में भी थोड़ी बहुत तेज़ी आने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी में अभी कोई यू नो इंटरेस्ट इमीडिएटली आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। मेरे ख्याल से उछाल में बेचना चाहिए। जी, तो किसी भी राइज में यहाँ से निकल जाने की सलाह आपको दी गई है। फिलहाल दिन के निचले स्तरों पर स्टॉक है, 13.25 रुपए का प्राइस देखने को मिल रहा है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग कॉर्पोरेट से हमने बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की कि कितना असर उनके कारोबार पर पड़ा है। हमारे साथ इस वक्त मिस्टर सज्जन भजंका है, चेयरमैन सेंचुरी प्लाईबोर्ड, नोटबंदी के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया शेयर करने के लिए मौजूद भी हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इस पूरे ही प्रकरण में एक तरह से देखा जाए तो जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग की जो क्षमता होती है उस पर असर पड़ता है, तो इसका कितना असर कारोबार पर दिखा है? देखिए, तत्काल तो इसका असर काफी है। गत 8 तारीख से लेकर 30 तारीख तक
सेंचुरी की सेल्स करीब 10% नीचे आ गई हमारी. ओके. तो वैसे जो लोगों से हम लोग सुन रहे हैं उनकी सेल तो काफी नीचे आई है, तो उसके हिसाब से हमारा ठीक ही रहा. 90% हमारी सेल उसके बाद भी हमने अचीव की है. लेकिन क्या है, पूरा जो प्लाईवुड जगत है उसके अंदर इसका काफी प्रभाव है. और जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जीएसटी आने के बाद अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ चीजें मूव करेगी, तो अब ये डिमोनेटाइजेशन से तत्काल हो गया. अब हमारे जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग थे उन लोगों ने अलग अलग जगह मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि अब वो पूरा बिल करेंगे, पूरा वो करेंगे. तो उसके कारण ये जो तत्काल जो एक डिस्पेरिटी थी उसमें फर्क आया है. तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइज के लिए उतना हानिप्रद नहीं रहेगा ये डिमोनेटाइजेशन, लेकिन अनऑर्गेनाइज के लिए बहुत हानिप्रद रहेगा. जो हमारा छोटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसमें काफी उनको नुकसान होगा. जी जी बिल्कुल सर. जैसे हम बात कर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन की, जैसे आपने कहा कि जीएसटी इज अ बिग पॉजिटिव फॉर द सेगमेंट एज वेल, बिकॉज एक लार्जर अनऑर्गेनाइज प्लेयर से लेकर देयर कैन बी अ शिफ्ट ऑफ बिजनेस एज वेल सर. बट आपका ज्योग्राफिकल रेवेन्यू इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट मेट्रो वर्सेस नॉन मेट्रो, और आर यू थिंकिंग ऑफ चेंजिंग योर प्रोडक्शन स्ट्रेटजी? नहीं देखिए, अभी कुछ जो है थोड़ा सा तो सेल्स में कमी आई है, लेकिन चूंकि अभी तक हम 90% के लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं तो अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्शन कम नहीं किया है. और लेकिन जो अनऑर्गेनाइज से हमको कुछ रॉ मेटेरियल मिलता था वो उसमें कमी आ गई, हमको रॉ मेटेरियल की भी किल्लत हो रही है. तो वो एक थोड़ा सा इसका असर हुआ है. और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ माइग्रेशन होना था तो वो माइग्रेशन जो है जीएसटी के बाद होना था वो अभी हो गया. इसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ हमारे ट्रेड में, क्योंकि हमारे ट्रेड में 70% अनऑर्गेनाइज था. उस अनऑर्गेनाइज जो है वो बैडली हिट. तो सर पूरी तरह से अगर समझें कि इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे आपने कहा शॉर्ट टर्म में तो दिक्कत हो रही है, खासतौर पर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, और सेल्स पर भी 10% का डिप आप देख रहे हैं. तो अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखें ये जो क्वार्टर रहेगा, किस तरह के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर्स, कितना बड़ा इम्पैक्ट ओवरऑल इस पूरे डीमोनेटाइजेशन का होगा? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट है आने वाले जो चौथे क्वार्टर में उसके अंदर कम से कम 10% ओवरऑल सेल प्लाईवुड की गिरेगी, हमारे टनल की गिरेगी. बट अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज जो माइग्रेशन होगा लगता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर अपने नंबर्स को मेंटेन कर लेगा और अनऑर्गेनाइज को थोड़ा सा नुकसान होगा. कमी होगी पूरे टोटल सेगमेंट में, उसका सारा भार अनऑर्गेनाइज. ऑलराइट, तो शुक्रिया मिस्टर बजांका समय देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए.